Good morning to all of you. This is Kundan Vishwa before you. It's the second session of chemical reactions and equation. Today we will learn how to balance chemical equation. Let's start the topic. Balanced and unbalanced, जिसका मतलब हम लोग हिंदी में जानते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण. तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहने का मतलब है कि जब भी कोई समीकरण तैयार किया जाता है तो उसके दोनों तरफ इट मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल की संख्या, एटम की संख्या सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. तो उसे हम बैलेंस यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आज हम बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की चर्चा करेंगे. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, H2 प्लस Cl2. ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन के दो दो परमाणु, तो यहाँ ये 2HCl, इधर भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, क्लोरीन के दो परमाणु हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं HCl के कितने भी, H भी दो है और Cl भी कितने हैं, दो है. इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये बैलेंस है हाइड्रोजन और क्लोरीन की स्थिति को देखते हुए. लेकिन जब हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का दो भाग, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, H2O यानी यहाँ जल. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब चर्चा की गई तो ये जल बना. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अनबैलेंस है. कैसे? चूंकि यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो, और ऑक्सीजन के कितने हैं, दो. दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो हमें दो मिल रहा है, सेम है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एक है. तो ये केमिस्ट्री के सेशन में या केमिस्ट्री की भाषा में हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन की चर्चा नहीं करते हैं, इसमें हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की चर्चा करनी पड़ती है, इसे सीखना पड़ता है, इसकी ही चर्चा की जाती है सभी जगह. तो आज हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. इसकी जो मूलभूत चीजें हैं वो क्या है, हम कैसे इसे बैलेंस करेंगे. तो आज कुछ हमारे पास इक्वेशन होंगे और उस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, यानी वो पहले असंतुलित अवस्था में होगा और हमें उसे संतुलित अवस्था में लाना है. सबसे पहले तो जान ले कि हम ये जो बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंस करने के लिए हमें किस मेथड का प्रयोग करना पड़ता है या किस मेथड का प्रयोग किया जाता है. तो बैलेंस करने के लिए जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है वो आप याद रखेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड. हीट एंड ट्रायल मेथड यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है. तो हीट एंड ट्रायल मेथड, इसे हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं अनुमान विधि. यानी हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान करते हैं कि रिएक्टेंट में परमाणु की संख्या कितनी है और फिर प्रोडक्ट में परमाणु की संख्या कितनी है, फिर हम उसे कोएफिशिएंट के रूप में, गुणांक के रूप में उसको हम इक्वल करने का काम करते हैं. एक चीज और ध्यान रखना है कि जब बैलेंस हम करते हैं तो ये रासायनिक समीकरण जो बैलेंस किया जाता है तो वो द्रव्यमान अनश्वरता नियम पर काम करता है. पूछा जाएगा कि केमिकल इक्वेशन जो तैयार होता है या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है वह किस आधार पर किया जाता है, किस नियम के अनुसार किया जाता है, तो द्रव्यमान अनश्वरता नियम. अनश्वरता का मतलब हुआ जो नाश नहीं हो, जो खत्म नहीं हो. तो जो पहले रिएक्टेंट का द्रव्यमान होता है वो बाद में भी उसका वही द्रव्यमान हमें देखने को मिलता है, मतलब उसका द्रव्यमान कंजर्व रहता है, उसके जो मास होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, वो खत्म नहीं होता, वो क्षय नहीं होता है. जब हम केमिकल इक्वेशन को क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं. तो याद रखना है कि किस विधि द्वारा करते हैं, तो अनुमान विधि द्वारा, जिसे हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं, और किस नियम पर आधारित है, तो द्रव्यमान अनश्वरता नियम पर आधारित है. इसके अंतर्गत इसका जो परमाणु भी रहता है वह भी लगभग संरक्षित रहता है, यानी स्टोर प्रिजर्व रहता है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, हीट एंड ट्रायल मेथड के साथ. जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है जो बैलेंस नहीं है,
तो उसे हमें बैलेंस करना है। ये Mg प्लस HCl, यानी Mg को हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं और HCl को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो यहां दिया हुआ है MgCl2 और प्लस H2, मैग्नीशियम और HCl है और यहां हमें मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और H2 बन रहा है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? तो हम सबसे पहले ध्यान क्या देंगे कि लेफ्ट साइड वाला जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इस अभिकारक में क्या क्या चीज है। तो Mg, इधर Mg की संख्या कितनी है? तो कुछ नहीं है लिखा, मतलब एक मैथ्स की भाषा में। H हाइड्रोजन कितना है? एक। Cl कितना है? एक। लेकिन हम अगर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्रतिफल की तरफ, तो Mg हमें एक दिख रहा है, लेकिन Cl क्या है? तो Cl हमें दो दिख रहा है और हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? तो दो दिख रहा है। तो ये बैलेंस है नहीं, क्योंकि इधर परमाणु की संख्या अलग है, इधर अलग है, दोनों तरफ जब समान हो तब वो बैलेंस माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो एक एक ये दोनों तो सेम है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, सेम नहीं है वो है Cl, Cl है इधर दो और इधर एक, तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। ये एक प्लस पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो उसमें हम उसके परमाणु संख्या को कोएफिशिएंट के द्वारा, गुणांक के द्वारा बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। तो इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर हमें बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? Cl को। Cl इधर कितना है? एक है। तो इधर दो करने के लिए हम इस को गुणांक के रूप में दो से क्या कर दिए? गुणा कर दिए, टू यहां डाल दिए। तो ये क्या हो गया? Cl की संख्या कितनी हो गई? एक से हो गई दो। लेकिन यहां दो लगाने से एक और चीज हो जाता है, वो क्या हो जाता है? तो हाइड्रोजन जो पहले एक था अब वो भी क्या हो गया? तो वो भी हो गया दो। तो अब हम जो देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास इधर हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, और Mg एक। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन यही बना, Mg plus 2HCl, तो MgCl2 plus H2, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन तैयार हो गया। यानी स्पष्ट आप समझ पा रहे हैं, ये अनुमान के द्वारा, ये अनुमान लगाएं और हम देखें कि इधर परमाणु की संख्या कितनी है, उस हिसाब से हमने फिर इसे इसको दोनों तरफ इक्वल किया। फिर हम और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको फिर आसानी से और समझ में आ जाएगी। दूसरी चर्चा फिर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और CaOH2, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को शायद आप लोग जानते हैं, भखरा चूना के नाम से जाना जाता है। तो ये बनता है AlOH3 + Cl2, AlOH3 + CaCl2, क्योंकि Ca यहाँ है। तो हम क्या देख रहे हैं, AlCl3 + CaOH2 की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो AlOH3 + CaCl2, ये है। अब इसे हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो हम फिर वही करेंगे, Al लेफ्ट साइड में कितना है? एक। Cl कितना है? तीन। Ca कितना है? एक। OH दोनों एक साथ है, हम एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, O भी दो, H भी दो, मतलब OH दो। जब इधर हम लोग चर्चा कर लिए, Al कितना? Al के पीछे कुछ नहीं, मतलब एक। OH कितना? OH तीन। Ca कितना? तो Ca एक। और Cl कितना? तो Cl दो। फिर देखने को हमें क्या मिल रहा है कि Al Al सेम है, लेकिन Cl यहाँ तीन है, Cl यहाँ दो है। तो हम सबसे पहले क्या कर लें, Cl को इक्वल कर लें। इक्वल करने के लिए क्या होगा, हमें बढ़ाना है। तो यहाँ तीन, तो तीन का मल्टीपल अगर हम करें कोएफिशिएंट गुणांक के रूप में, तो 3 × 6 = 6, तो यहाँ हमें 6 करना है। तो 3 के पीछे हम यहाँ क्या करते हैं, Cl के पहले यहाँ लगा दिए 2, कोएफिशिएंट गुणांक के रूप में, तो Cl हो गया 6। तो इधर 6, तो इधर भी क्लोरीन कहाँ है, तो क्लोरीन यहाँ है, तो इस क्लोरीन के पीछे हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ भी हम लगा देते हैं ये
CaCl2 क्लोरीन के पीछे हम यहां क्या कर दिए, लगा दिए 3। तो 3 लगा देने से यहां क्या हो गया, 3 × 2 क्लोरीन हमारे पास हो जाएगा, 3 × 2 यानी क्लोरीन भी हो गया 6। ये 6 6 बराबर हो गए। Al अब यहां क्या हो रहा है कि Al के पीछे 2 लग गया, तो यहां 1 है, तो हम यहां ऑटोमेटिक क्या हो गया, 2 लगाने से Al भी यहां 2 हो गया। जब यहां Al 2 हो गया तो इधर भी हमें Al 2 करना है। एल्यूमिनियम को हम जब 2 करेंगे तो इसके पीछे हमें क्या लगाना होगा, 2। यहां लगा दिए हम 1 × 2, ये हो गया 2। लेकिन यहां 2 लगाने से क्या हो जा रहा है कि OH जो पहले 3 था, OH जो 3 था, यह OH 3 × 2 इसका मतलब 6 हो गया। यानी यहां OH की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और CA पहले OH की चर्चा कर ले, तो OH जो 6 हो गई, तो यहां OH कहां है, ये इसे भी हमें करना है 6। तो यहां 2 है, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहां 3 किए तो फिर क्या हो जाएगा, OH हमारे पास 2 × 3 = 6। अब चर्चा की गई है CA की, CA जिसे हम कैल्शियम कहते हैं। तो कैल्शियम पहले 1 थी, लेकिन यहां 3 मल्टीप्लाई होने से ये हो गया 3, और यहां कैल्शियम ऑलरेडी 1 थी, जो जहां 3 जहां हम लगाए हैं, तो यह भी हो गई 3। अब हम देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम 2 2, क्लोरीन का परमाणु 6 6, कैल्शियम का 3 3, और OH का 6 6, मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन ये तैयार हो गया, 2AlCl3 + 3CaOH2, एरो 2AlOH3 + 3CaCl2। ये जो हमारा है, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार हो गया है, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण तैयार हो गया है। हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसे और आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। हमें सिर्फ ध्यान यही चीज रखनी है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, जो हमारे पास अभिकारक होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा, उसकी परमाणु को हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो राइट साइड जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, उस प्रोडक्ट को हम लिख के और फिर दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। फिर एक और दे रहे हैं, Fe+H2O। Fe को हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोहा के नाम से जानते हैं, आयरन के नाम से जानते हैं। H2O जिसे हम जल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या बन रहा है, Fe3O4+H2, Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड, और O ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहां बन पा रहे हैं। अब हमें इसे क्या करना है, इक्वल करना है, बैलेंस करना है। तो हम देख रहे हैं यहां Fe के कितने परमाणु, 1, H हाइड्रोजन के कितने, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब इधर आइए, Fe कितने हैं, इधर दिख रहा है 3 लटका हुआ है, O कितने ऑक्सीजन तो दिख रहा है 4 है, H कितने हैं तो ये 2 हैं। फिर ये है अनबैलेंस, हमें करना है इसे बैलेंस। तो सबसे पहले 1 और यहां है 3, तो हम क्या करते हैं, 3 करने के लिए यहां हम मल्टीप्लाई 3 कर दिए। कैसे, जब यहां 3 डाल दिए तो ये हो गया 3, इसका काम खत्म, Fe बराबर। अब आगे H की तरफ, H इधर भी 2, H इधर भी 2, ये इक्वल है। O यहां 1 है, जबकि O यहां 4 है। अब O को तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो O को बढ़ाने के लिए हम O को 4 करना है, तो O के पहले हम यहां लगा दिए 4। तो 4 लगा देने से ये O हो गया 4, लेकिन H क्या हो गया, H भी हो गया 2 × 4 = 8। तो जब H 8 हो गया, तो हमें H यहां भी क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो 8 के लिए कि 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8। तो हम H के पीछे क्या लगा दिए, 4, तो 2 × 4 = 8। अब देखिए Fe3 Fe3 H8 H8 O4
O4, ये हो गया बैलेंस। अब हम इसे लिख देंगे, क्या है हमारा फाइनल, वही चीज 3Fe प्लस 4H2O, एरो का साइन, Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार हो गया। मतलब सिंपल सी बात, जो हमने पहले की अनुमान लगाई उस अनुमान के द्वारा ही हम इसे बना पाते हैं या समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी तक चर्चा किए हैं कि कोई दो परमाणु आपस में मिलते हैं, दो यौगिक, फिर उनका जो रिएक्शन होता है वो प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब हम एक की चर्चा कर रहे हैं और वो एक से कैसे हमें नए चीज का निर्माण होता दिखता है वो हम करेंगे। KCl, K को हम पोटेशियम कहते हैं, Cl, KCl, पोटेशियम क्लोरेट, ClO3 क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये तीनों का सम्मिलित रूप है। जब ये इसे हम टेम्परेचर देते हैं तो उस स्थिति में ये किस चीज में बदल जाता है, KCl प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। अब इसे बैलेंस करना है, K कितने, एक, Cl कितने इधर, एक, O कितने इधर, तीन, इधर K कितने, एक, Cl कितने, एक, O कितने, दो। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो सेम से लेकिन O यहाँ पे है अलग अलग डिफर, तो हम दो को क्या कर सकते हैं, यहाँ थ्री है यहाँ टू है, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 हो सकता है, तो 3 जहाँ है इसके पीछे हम क्या लगा दें, 2 लगा देने से अब K भी हो गया 2, Cl भी हो गया 2 और O हो गया 6, 3 × 2 = 6। अब जब इधर 2 है तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 3 = 6, O को हमें 6 लाना है, तो 2 × 3, यहाँ हम 3 कर दिए, 2 × 3, 2 × 3 = 6, लेकिन KCl भी हमें 2-2 चाहिए, तो KCl के पीछे हम क्या लगा दिए, 2 गुणांक के रूप में रख दिए, 1 × 2 = 2 और 1 × 2 = 2 हो गया हमारा इक्वेशन बराबर, 2 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, तो क्या बन गया, 2KClO3, 2KCl plus 3O2, ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। बहुत ही आसान है ये, आप एक से दो बार जो भी क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन को आप देखिए और खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि अनबैलेंस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है तो आपको ये चीज आना चाहिए। एक और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, Al प्लस H2SO4, Al जिसे हम एल्युमिनियम के नाम से जानते हैं, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, L2SO4 whole 3 इसका निर्माण होता है और प्लस H2 का निर्माण होता है। अब इसे भी हमें करना है बैलेंस, ये भी बहुत आसान, Al कितना लेफ्ट साइड में, 1, H2H कितना, 2, S कितना, 1, O कितना, 4। हम राइट साइड चलते हैं तो इधर में Al एल्युमिनियम कितना, 2, S कितना, 3, O कितना, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और H कितना, तो 2। हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम 1 यहां 2, तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम को बैलेंस कर ले, यहां एल्युमिनियम के पीछे 2 लगा दिए कोएफिशिएंट, तो एल्युमिनियम हो गया बराबर। अब यहां है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है यहां तक सही है, सल्फर यहां पे 1 है, इधर सल्फर 3 है, तो जब यहां 3 है तो 3 करने के लिए हमें इस सल्फर के पीछे भी क्या लगाना पड़ेगा, 3, यानी सबके पीछे, इस कंपाउंड के पीछे हमने क्या लगा दिया, 3। 3 लगा देने से हाइड्रोजन चेंज हो गया, हाइड्रोजन पहले 2 था, 3 × 2 = ये हो जाएगा हाइड्रोजन 6 और सल्फर क्या हो गया, 3, 1 × 3 सल्फर 3 हो गया और ऑक्सीजन जो सिर्फ 4 था वो 4 × 3 ये 12 हो गया। अब इसका समीकरण ही बदल गया, अब जहां से हम देख पा रहे हैं कि सल्फर इधर 3 है, ठीक है,
अब यहां देखिए एल्युमिनियम दो, एल्युमिनियम दो, हाइड्रोजन सिक्स, हाइड्रोजन दो, तो हमें हाइड्रोजन दिख रहा है यहां दो, आसानी से हम 2 3 6 इसे कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, तो हाइड्रोजन एल्युमिनियम सेम सेम, फिर सल्फर आ गया 3, तो सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, दैट्स इजी, इतना आसान कि आप आसानी से इसे नॉर्मल वे में तैयार कर सकते हैं। अब ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं जिसे हम इक्वल करते हैं, ये क्यों करते हैं और इससे हमें किन किन चीजों की जानकारी मिल पाती है, तो आज इसकी भी हम चर्चा करते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन हम एक लेते हैं N2+3H2, तो ये क्या है, N2 जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं और H2 जिसे हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिले तो वो क्या बन गया, 2NH3। ये एक बैलेंस्ड है, एक बैलेंस की हम लोग चर्चा की है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, तो 3 × 6। इससे हमें किस किस चीज की जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले ये किसका संकेत है उसका नाम हम जान पाते हैं, N नाइट्रोजन को इंडिकेट करता है, H किसे इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन को करता है, और NH3 किसे करता है, अमोनिया को करता है। इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या हम देख पा रहे हैं 2, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 × 3 = 6, और अमोनिया में ये परमाणु नहीं, चूंकि अणु ये क्या है, ये कंपाउंड है, तो यौगिक के लिए अणु शब्द यूज होता है, तो इसमें अणु की संख्या कितनी है, तो जो सबसे बाहर कोएफिशिएंट है वो 2। इसी प्रकार से अगर हमें इसका क्या पूछा जाए, इसका पूछा जाए आयतन, आयतन इसका कितना, जो पीछे है, पीछे कुछ नहीं मतलब एक है, एक इसका भी आयतन 3 पीछे जो है, और इसका आयतन कितना 2। अब यहीं से हमें इसके बारे में मोल की चर्चा की जाए, तो जो आयतन होता है वही मोल, यानी मोल पीछे, मोल इसका 1, इसका 3, इसका 2। इसके ग्राम द्रव्यमान की अगर हम लोग चर्चा करें, तो द्रव्यमान हमारा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, तो 7 का लगभग दुगुना, 7 × 14, यानी 14 क्या हुआ, इसका परमाणु द्रव्यमान हुआ, तो परमाणु द्रव्यमान 1 नाइट्रोजन का, यहां है 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन के लिए इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 28। हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, 1 × 6 क्योंकि परमाणु 6 है, और यहां अमोनिया के लिए हम नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 14 × 2 मतलब 28, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 6 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 6 × 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान, यानी 34। यानी हम आसानी से एक इक्वेशन के द्वारा हम क्या क्या चीज ज्ञात कर पाते हैं, तो हम ज्ञात कर पाते हैं उसके परमाणु की संख्या क्या है, उसकी अणु की संख्या क्या है, उसके मोल की संख्या क्या है, उसका क्या द्रव्यमान है, और ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इस चीज की जानकारी हमें आसानी से मिल पाती है, वैज्ञानिक को इसके इससे सुविधा होती है, इसीलिए हमेशा इक्वेशन को इक्वल किया जाता है, ताकि सभी लोग उसकी पूरी जानकारी को डिटेल में ले सकें। अगले टॉपिक पे हम इसके बाद और भी चीज कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट करें, याद करें, समझे, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।